गुड आफ्टरनून बंटी बेटा कैसे हो मैं भी ठीक हूं बेटा बस थोड़ा सा जुकाम हो रखा है वो तो मुझे होता ही है ये हफ्ते में एक आध बार नहीं बेटा मैं ठीक हूं मुझे बस एलर्जी होती है नेजल एलर्जी हफ्ते में एक बार नेजल एलर्जी होती है फिर आंख से भी आंसू और नाक से भी पानी बहता है लेकिन एक आध दिन में ठीक हो जाता है तो कहां है बाकी लोग हमारे आज हमको क्या पढ़ना है बेटा कुछ याद है क्या हमने लास्ट क्लास में आपको बाइनरी फिशन बताया था रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए थे ना हम बैक्टीरिया का तो हम आपको बाइनरी बाइनरी फिशन बताए थे, फिशन के बाद आपको हम आ, एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी बताए थे आपको हम बेटा सिस्ट फॉर्मेशन भी बताए थे और आपको हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी बताए थे है ना तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे ठीक है ना जी तो चलो बस बाकी लोग ज्वाइन हो जाएंगे तब तक हम एक बढ़िया सा डायग्राम ढूंढते हैं गुड आफ्टरनून तेज प्रताप यादव हेलो रित जब तक एक आध लोग और ज्वाइन करेंगे तब तक हम बढ़िया सा डायग्राम ढूंढेंगे الحمد لله गुड आफ्टरनून सौम्या गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी चलो बस हम क्लास स्टार्ट करने ही वाले ये देखो भाई डायग्राम दिखाई दे रहा है ना डायग्राम सही है चलो भाई ठीक है फिर तो हम पढ़ रहे हैं वॉट हम पढ़ रहे थे बेटा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में गुड आफ्टरनून रश्मि बेटा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में आपको मैंने पिछली क्लास में मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया बताया था बाइडोनिफिशन बताया था और मैंने सिस्ट फॉर्मेशन बताया था एंडोस्पोर फॉर्मेशन बताया था फिर हमने बैक्टीरिया का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी स्टार्ट किया था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था बैक्टीरियल uh, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट वाला बताया था आज हम बेटा पढ़ेंगे बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन हम यहां लिखेंगे ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया ठीक है ट्रांसडक्शन इन हा ट्रांसफॉर्मेशन बेटा हमने कंप्लीट कर ही दिया था यस yes. तो आज हमने पढ़ना है ट्रांसडक्शन देखियो ट्रांसडक्शन क्या है पहले समझना सुनना मेरी बात बाद में इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए या जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल तक पहुंच जाए बट खुद से नहीं ट्रांसफॉर्मेशन में यह काम खुद से होता था यहां पर बाहर का कोई एजेंट यह काम करेगा मैं यहां लिखने वाला क्या ट्रांसफर ऑफ डीएनए या हम लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल बेटा जेनेटिक मटेरियल मतलब वो वाला मटेरियल जिसकी मदद से पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोसेसिस कंट्रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही होते हैं और जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही होता है तो क्या लिखा हमने ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहां से फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द नेक्स्ट By an external agent known as a virus. ठीक है वायरस के ब्रैकेट में लिखूंगा मैं बैक्टीरियोफेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये इसमें बहुत मजा आने वाला है <Coughs> बेटा जी सुनिए ऐसे वाले वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस को हम बैक्टीरियो बोलते हैं और यही बैक्टीरियो मदद करते हैं एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरे बैक्टीरियल सेल तक पहुंचाने में इस प्रोसेस को जिसमें एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल तक डीएनए पहुंचे या जेनेटिक मटेरियल पहुंचे किसकी मदद से किसी वायरस की मदद से किसी बैक्टीरियो फेज की मदद से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन अब देखो होता क्या है यहां पर स्टेप वन में आप देखिए फेज इंजेक्ट इट्स डीएनए फेज मतलब बैक्टीरियो फेज अभी मैंने कहा बैक्टीरियो फेजे ऐसे वाले वायरसेस हैं जो किनको इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस विच इनफेक्ट बैक्टीरिया जैसे ही यह बैक्टीरियोफेज आया ये बैक्टीरियोफेज फेज ये वायरस बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैठा और बैक्टीरियल सेल के अंदर आप देखिए बेटा इसने अपना डीएनए ग्रीन कलर का दिखाया है बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया होस्ट सेल यहां पर बैक्टीरियल सेल है है ना और ये यहां पर डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम तो वायरस ने बैक्टीरियो फेज ने अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट किया अब क्या करेगा बैक्टीरियल सेल के डीएनए को हम फेज डीएनए बोलेंगे ये फेज ये फेज फेज डीएनए, डीएनए बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को यूज करेगा या इसके पास खुद के भी कुछ एंजाइम्स होते हैं लिखा है फेज एंजाइम्स डिग्रेड होस्ट डीएनए कैसे होते हैं फेज के पास एंजाइम्स ध्यान से सुनना के पास ना खुद का कोई मशीनरी नहीं होता ये वायरसेस होस्ट सेल का मशीनरी यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है ये बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियल सेल का मशीनरी यूज़ किया होगा किनको बनाने के लिए एंजाइम्स को बनाने के लिए तो बैक्टीरियोफेज ने अपने एंजाइम्स बनाए बट उसने इस्तेमाल किया किसको बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को इस्तेमाल किया अब वही एंजाइम्स ने इस बैक्टीरिया के क्रोमोजोम को बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को डिग्रेड कर दिया आप देख सकते हैं बैक्टीरियल डीएनए के पीसेस बना चुका है ये, समझ रहे हो बात बैक्टीरियो ने एंजाइम्स बना लिए लेकिन उन एंजाइम्स को बनाने के लिए मशीनरी चाहिए थी इसके पास अपनी मशीनरी नहीं होती इसने मशीनरी यूज की किसकी बैक्टीरियल सेल की होस्ट सेल की मशीनरी को यूज किया बना दिए एंजाइम्स और उन्हीं एंजाइम से होस्ट सेल के बैक्टीरियल सेल के डीएनए को क्रोमोजोम को तोड़ दिया इनटू पीसेस खुद का इसका डीएनए इंटैक्ट है अब ठीक है ना देखो तीसरी बात तीसरा पॉइंट सेल सिंथे न्यू फेज दैट सम होस्ट डीएनए अब क्या होगा बैक्टीरियल फेज का ये जो डीएनए है ना यही तो मेन चीज है बैक्टीरियो फेज का डीएनए मल्टीप्लाई होगा इसके बहुत सारे कॉपीज बनेंगे बेटा और वो कॉपीज वो डीएनए के कॉपीज बहुत सारे फेज बनाएंगे, वो फेज प्रोटीन्स जमा होके नए वाले बैक्टीरियो बनाएंगे तभी तो इसने लिखा है ना सेल सिंथेसाइज मतलब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर सिंथेसाइज होंगे नए वाले फेजेस नए वाले बैक्टीरियो फेजेस और हर बैक्टीरियो के अंदर ये जो बैक्टीरियो का डीएनए है ना मैंने कहा ना कॉपीज बनेंगे देखो मान लो एक दो तीन चार पांच पांच नए वाले बैक्टीरियो बने तो पांच डीएनए की कॉपीज होनी चाहिए होनी चाहिए ना तो एक एक कॉपी एक एक बैक्टीरियो के अंदर चली गई और मिस्टेकनली गलती से थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए भी आप देख सकते हैं बेटा इसमें पर्पल कलर का डीएनए आ चुका है ना तो गलती से थोड़ा सा मिस्टेकनली थोड़ा सा बैक्टीरियल सेल का डीएनए भी किसी फेज के अंदर चला गया लिखा है ना मिस्टेकनली सम होस्ट डीएनए होस्ट डीएनए मिस्टेकनली फेज बैक्टीरियो फेज के अंदर चला गया तो इन पांच फेज में से ये वाला फेज है जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल का डीएनए अब देखिए जब यह बैक्टीरियल सेल फटेगा फटना ही पड़ेगा इसको क्योंकि वायरसेस इसके अंदर हैं तो ये सारे वायरस पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे अब ये वाला फेज जब बाहर आया ये वाला फेज इसके अंदर वायरल डीएनए भी होगा खुद का डीएनए भी होगा लेकिन भाई इसने गलती से बैक्टीरियल सेल का डीएनए फ्रेगमेंट भी उठाया होगा ऐसे वाले फेज को बेटा जी हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज ये ट्रांसड्यूसिंग फेज जब किसी और बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेगा लेकिन गलती से इसने कौन सा डीएनए उठाया है गलती से इसके अंदर कौन सा डीएनए चला गया है इसके अंदर चला गया है बैक्टीरियल सेल का डीएनए तो मतलब इसको लगता है कि मैंने अपना डीएनए इंजेक्ट किया लेकिन एक्चुअली इसने किया है कौन सा डीएनए इंजेक्ट उस बैक्टीरियल सेल का डीएनए इंजेक्ट किया है जिससे ये निकला था समझ आई बात तो ये डीएनए जब बैक्टीरियल सेल के अंदर गया यह डीएनए इस नई वाली बैक्टीरियल सेल के मेन क्रोमोजोम के साथ अटैच हो गया तो ट्रांसड्यूसिंग फेज इंजेक्ट्स डोनर डीएनए डोनर डीएनए का बेटा मतलब क्या है डोनर डीएनए का मतलब है बैक्टीरियल सेल डीएनए कौन सा बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम विच वायरस हैड कम तभी ना जिस बैक्टीरियल सेल को पहले इस फेज ने इंफेक्ट किया उस बैक्टीरियल सेल को यहां लिखा था डोनर सेल तो उसका डीएनए हुआ ना डोनर डीएनए वही डोनर डीएनए बैक्टीरियो फेज ने उठाया इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट किया इसको बोलते हैं रेसिपियंट सेल तो फिर डोनर डीएनए रेसिपियंट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा लिखा है डोनर डीएनए इन कारपोरेटेड इंटरसिपियंट क्रोमोजोम बाई रिकॉम्बिनेशन हो गया ना जीन्स का रिकॉम्बिनेशन बताओ अब इस बैक्टीरियल सेल में इस डोनर डीएनए की वजह से कुछ नए फीचर्स आएंगे ना आएंगे कि नहीं yes. को बताओ ये समझ आया अगर नहीं आया तो पूछो अगर आ गया तो फिर स्क्रीन शॉट लेके तुरंत लिख दो हाँ सारे लोग बंटी स्क्रीनशॉट हो गया क्या बंटी ओके चलते हैं आगे तो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ा दिया अब ट्रांसडक्शन हो गया आज वाली क्लास में नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कॉन्जुगेशन बैक्टीरियल सेल्स में कॉन्जुगेशन भी होता है जरा हम कॉन्जुगेशन के लिए एक ब्यूटीफुल वाला डायग्राम ढूंढ के लाएंगे やでこい。Yeah, हाँ डायग्राम सही है ना दिखाई दे रहा है ना चलिए भाई देखिए बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में देखो बेटा पहले वाले डायग्राम में यहां लिखा है एफ प्लस सेल एफ प्लस एफ पॉजिटिव याद है एफ प्लस मैंने जब बैक्टीरियल सेल्स का स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको बताया था जिस बैक्टीरियल सेल में एफ प्लाज्मिट होगा क्या होगा एफ प्लाज्मिट उस बैक्टीरियल सेल को हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल बोलेंगे और एफ पॉजिटिव सेल्स आर आल्सो नोन एज डोनर बैक्टीरिया अब सेम स्पीशीज का दूसरा बैक्टीरियल सेल इसके अंदर एफ प्लाज्मिट है ही नहीं तो यह बना एफ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल एफ नेगेटिव सेल को बेटा हम रेसिपिएंट सेल बोलते ध्यान रहे मैंने दूसरा बैक्टीरियल सेल बोला बट सेम स्पीशीज ये दोनों बैक्टीरिया सेम स्पीशीज के होने चाहिए एक में अगर एफ प्लाजमिट है तो वो बना एफ पॉजिटिव दूसरे में एफ प्लाज्मिन नहीं है तो वो बना एफ माइनस एफ पॉजिटिव को डोनर बोलेंगे एफ नेगेटिव को बोलेंगे रेसिपियंट है ना इज इट ओके अब देखो एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल के पास बेटा वो हॉलो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे उनको हम क्या बोलते हैं सेक्स पिलस बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल्स में सेक्स पेलाई होते हैं सेक्स ये एफ प्लस बैक्टीरियल सेल डोनर बैक्टीरियल सेल इसी सेक्स पेलस की वजह से एफ माइनस सेल के साथ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा एक ट्यूब इस ट्यूब को बेटा हम कॉन्जुगेशन पहले तो कॉन्जुगेशन पिलस बाद में ट्यूब बनेगा उस ट्यूब को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे है ना तो ये रहा यहां पर कॉन्जुगेशन ट्यूब एफ प्लस अपना बैक सेक्स प्लस यूज करके एफ माइनस के साथ एक ब्रिज बनाएगा उस ब्रिज को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे ठीक अब देखो

मैंने ये क्लास में पढ़ाया है तुम तो बोल रहे हो मैंने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए तो फिर ये क्यों नहीं देखा हाँ मैंने रिकॉर्डेड तुमने बोला ना मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया ये तो मैं पढ़ा चुका हूं उसमें तो ये क्यों नहीं देखा एफ क्लासमेट भाई ये गलत बात है ना अगर तुम क्लास नहीं करोगे तो ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना बेटा रिकॉर्डेड वाला नहीं समझ आया था अरे बेटा तुम बहुत शाणे हो <laughs> तुमने रिकॉर्डेड वीडियो देखा नहीं है चलो ठीक है मैं बता देता हूं देखो बैक्टीरियल सेल्स में मेन मेन डीएनए ये रहा मेन डीएनए मेन बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मेन क्रोमोजोम है सबके अंदर होता है मेन क्रोमोजोम बोलो मेन डीएनए बोलो न्यूक्लियोइड बोलो लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरियल सेल्स में मेन क्रोमोजोम के अलावा मेन डीएनए के अलावा एक और छोटा सा डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल वो डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स को कुछ एडिशनल फीचर्स देता है लेकिन सर्वाइवल के लिए नहीं होता मतलब कहने का यह है बेटा अगर एफ प्लस बैक्टीरियल सेल है इसमें मेन डीएनए तो है ही है और साथ में एफ प्लाज्मिट है अगर हम एफ प्लाज्मिट को बाहर भी निकालेंगे तो बैक्टीरियल सेल मरेगा नहीं यह सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है लेकिन एफ प्लाज्मिट होने से बैक्टीरियल सेल को एक एडिशनल फीचर मिला एक एक्स्ट्रा फीचर मिला कौन सा एक्स्ट्रा फीचर वो एक्स्ट्रा फीचर है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलस जिन बैक्टीरियल सेल्स में एफ प्लाजमेट होता है उनमें उनमें सेक्स सेक्स पिलस पिलस पैदा होते हैं अब जिन में एफ नहीं नहीं होगा सेक्स पिलस नहीं होगा मतलब यही हुआ ना कि एफ प्लाज्मेट सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये एडिशनल फीचर देगा बैक्टीरियल सेल को यहां पर बैक्टीरियल सेल को कौन सा एडिशनल फीचर दिया है सेक्स पिलस अब प्लाज्मेट है क्या प्लाज्मिड मेन डीएनए के अलावा एक और छोटा सा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब जिसका खुद का जेरोक्सिंग करने का कैपेबिलिटी है जिसका खुद का कॉपीज बनाने का कैपेबिलिटी है अब सही है हर कभी समझ आया चलो भाई तो मैंने क्या कहा जैसे ये दो सेल्स F प्लस एफ माइनस के साथ कांटेक्ट करेगा कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा तो F प्लस का F प्लाज्मिट बेटा रेप्लिकेशन करेगा F प्लस का एफ रेप्लिकेशन करेगा रेप्लिकेशन का मतलब है जेरोक्सिंग F प्लाज्मिट का जेरोक्सिंग होगा मतलब F प्लाज्मिट के बनेंगे कितने कॉपीज दो कॉपीज राइट ठीक है ना अब देखो उन दो कॉपीज में से बेटा जी एक कॉपी यहां ट्रांसफर हो सकता है कौन से बैक्टीरियल सेल में एफ माइनस में मतलब एफ माइनस सेल जिसको हमने रेसिपिएंट सेल बोला रेसिपिएंट सेल बैक्टीरियल प्लाज्मिड को रिसीव करेगा लेकिन एक चीज बेटा ध्यान से देखो इसने क्या लिखा है वन स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफर्स टू द रेसिपिएंट मैंने कहा ना इस प्लाज्मिड का जेरोक्सिंग होगा जेरोक्सिंग के बाद दो कॉपी बनेंगी उनकी से एक एक रेसिपियंट सेल में और चौथे वाले स्टेज में देखो रेसिपियंट सिंथेसाइज इज अम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड इस प्लाज्मिट की दूसरी स्ट्रेंड रेसिपियंट सेल बनाएगा अब बताओ एफ प्लस सेल बन गया ना एफ माइनस इज नाउ कन्वर्टेड इन टू एफ प्लस क्योंकि इसके अंदर भी क्या आ गया एफ प्लाजमेट क्या समझे बैक्टीरियल बैक्टीरियलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो बैक्टीरियल सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं कॉन्जुगेट होते हैं कैसे कॉन्जुगेट होते हैं एक बैक्टीरियल सेल में सेक्स पिलाई होगा वो सेक्स पिलस एफ माइनस बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाएगा दोनों के बीच में एक ट्यूब बनेगा फिर ट्यूब के थ्रू एफ प्लस सेल से एफ माइनस सेल की तरफ एफ प्लाजमेड आएगा तो एफ प्लाज्मिड आने से एफ माइनस सेल एफ प्लस में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा बट बट लेकिन 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 ध्यान से सुनना बट एफ प्लाज्मिड पूरा का पूरा तब ट्रांसफर होगा जब ये कॉन्जुगेशन बहुत देर तक रहेगा बट होल एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर ऑकर्स Only if if conjugation lasts for a longer period of time, अगर conjugation ज़्यादा time तक रहेगा, तभी पूरा का पूरा प्लाज्मिड का कॉपी ट्रांसफर हो पाएगा ठीक है ना लेकिन डिफरेंसेस की, की डिस्टरबेंसेस वजह से जल्दी टूट गया मान लो बैक्टीरियल प्लाज्मिड ट्रांसफर हो ही रहा होगा और कॉन्जुगेशन टूट गया तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा फिर प्लाज्मिड का थोड़ा सा पार्ट ट्रांसफर होगा एफ

एफ प्लाज्मिड का जो पार्ट एफ नेगेटिव सेल में आया उस पार्ट में सेक्स पेलस बनाने वाला जीन है ही नहीं तो ये एफ नेगेटिव सेल एफ नेगेटिव ही रहेगा ना इफ ऑनली ए पार्ट ऑफ द इनटू ट्रांसफर एफ सेल एफ नेगेटिव सेल एंड सो इट मे रिमेन इट में रिमेन एस एफ नेगेटिव समझ रहे हो बात अगर कॉन्जुगेशन बीच में ही टूट गया तो प्लाज्मिड का पूरा कॉपी ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाया थोड़ा सा पार्ट ट्रांसपोर्ट हो पाया जो पार्ट ट्रांसपोर्ट हो पाया एफ माइनस सेल में सपोज उस पार्ट में सेक्स प्लस बनाने वाला जीन होगा ही नहीं तो ये एफ नेगेटिव सेल एफ नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि इसमें सेक्स प्लस बनेंगी नहीं एफ पॉजिटिव बन नहीं पाएगा एफ नेगेटिव को एफ पॉजिटिव बनने के लिए जरूरी है वो पूरा का पूरा प्लाजमेट का कॉपी रिसीव करे और ऐसा तब मुमकिन है बेटा जब कॉन्जुगेशन बहुत देर तक रहेगा बताओ समझ आया इज देयर एनी डाउट इन दिस हा हा बंटी सौम्या ऋतिक तेज प्रताप श्रुति आज श्रुति कुमारी भी ज्वाइन हुई है हमारे साथ बहुत बढ़िया अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो हो गया आगे बढ़े हम बढ़ते हैं ओके तो क्या क्या सीखा हमने हमने सीखा ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन और अभी हमने आपको बताया कॉन्जुगेशन राइट कॉन्जुगेशन का एक और टाइप है बेटा उसको हम बोलते हैं एच एफ आर कॉन्जुगेशन बहुत बढ़िया चीज है सीखने लायक एच एफ आर कॉन्जुकेशन एच एफ आर कॉन्जुगेशन देखियो एच एफ आर का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट ठीक है इसके लिए भी मैं एक डायग्राम खूबसूरत वाली लाऊंगा बस थोड़ा सा वेट करो एक अच्छा सा डायग्राम मिल जाए मजा आ जाएगा अच्छा सा डायग्राम अगर मिल जाता तो मजा आ जाता नहीं ये सही नहीं रहेगा ये धुंधला है ज्यादा एक मिनट बस एक मिनट बेटा एक मिनट हो गया हां जी भाई अब देखो इज इट दिखाई दे रहा है ना हां तो देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं ये एक एफ पॉजिटिव सेल अब तो तुम एफ पॉजिटिव जानते ही हो ऐसा वाला बैक्टीरियल सेल जिसमें एफ प्लाज्मेट हो लेकिन अगर कभी एफ प्लाजमेट बैक्टीरियल सेल के मेन क्रोमोजोम के साथ ये बैक्टीरियल सेल का मेन क्रोमोजोम है दिस इज द मेन बैक्टीरियल क्रोमोजोम ठीक है ना अगर एफ प्लाजमेट बैक्टीरियल सेल के मेन क्रोमोजोम के साथ इंटेग्रेट हो जाए देख सकते हो यहां पर एफ प्लाजमेट बैक्टीरियल सेल के मेन क्रोमोजोम के साथ अटैच हो चुका है अब तुमको एफ प्लाजमेट नहीं दिखाई दे रहा है कहां गया वो एफ प्लाजमिट इंटेग्रेट हो चुका है मेन क्रोमोजोम के साथ मैं यहां पर लिखूंगा एफ लिखा है इसने एफ प्लाजम इंटेग्रेट इन टू द रिकॉम्बिनेशन आप इस सेल को बेटा एफ एफ पॉजिटिव सेल नहीं बोलेंगे आप इसको बोलेंगे एच एफ आर बैक्टीरियल सेल बताओ यहां तक क्लियर इज इट क्लियर यस अब देखिए

इसी को डीएनए डोनेट करना है इज इट ओके ये क्या करेगा सेक्स पिलस की मदद से एफ नेगेटिव के साथ एफ माइनस बैक्टीरियल सेल के साथ कॉन्जुगेट करेगा एफ माइनस को अपन रेसिपियंट बोलते हैं राइट right? तो सेल ज्वाइंस अ कॉन्जुगेशन पिलस दोनों में ट्यूब बन जाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब अब क्या होगा अब मेन क्रोमोजोम का बेटा होगा रेप्लीकेशन मेन क्रोमोजोम का रेप्लीकेशन होगा तो मेन डोनर डीएनए, डोनर क्रोमोजोम क्या काम करेगा ये डोनर क्रोमोजोम ट्रांसपोर्ट होगा इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू द द एफ-माइनस सेल लिखा है यहां पर पोर्शन ऑफ एफ प्लाज्मेट देखो मेन क्रोमोजोम कैसा था सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड जैसे इसका रेप्लीकेशन हो गया ना ये कट जाएगा कटते टाइम ये प्लाजमिट का थोड़ा सा पोर्शन अपने साथ लाएगा लाया ना अब ये डीएनए डोनर डीएनए स्ट्रैंड जब एफ नेगेटिव सेल में गया तो आगे आगे इसका एफ प्लाज्मिट है एफ प्लाज्मिट का पार्ट है एफ प्लाज्मिट का पार्ट भी एफ माइनस सेल में चला गया रेसिपिएंट सेल में चला गया और इस बैक्टीरियल सेल का मेन जीनोम का डीएनए भी चला गया पोर्शन ऑफ एफ प्लाजमेट पार्शली मूव इन टू द रेसिपीलिंग में इनकम्प्लीट एफ प्लाजमेट आ गया क्योंकि साथ में उसका उसने क्या लाया उसने साथ में लाया डोनर डीएनए को मे डोनर बैक्टीरिया के मेन डीएनए को लाया तो कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेशन एंड हो गया विध पीसिस ऑफ एफ प्लाजमेट एंड डोनर डीएनए इन रेसिपियंट सेल सेल में प्लाजमेट का पीस भी आया और इस डोनर डीएनए का डोनर सेल का भी डीएनए आया सेल कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ठीक है डोनर डीएनए आया अब क्या होगा से मेन पॉइंट ये जो डोनर डीएनए है ये डोनर डीएनए इस रेसिपियंट बैक्टीरियल सेल के खुद उसके डीएनए के साथ अटैच होगा रिकम्बाइन होगा देख लो ये वाला पार्ट डोनर डीएनए है ना और ये वाला पार्ट जो मैं ब्लू कलर से दिखाने जा रहा हूं ये वाला पार्ट जो है बेटा जी दिस वाला पार्ट इज रेसिपियंट डीएनए दिस इज रेसिपियंट डीएनए और रेड वाला जो है इट इज डोनर डीएनए ठीक है ना और बीच में क्रो प्लाजमिट का भी छोटा सा पार्ट है प्लाज्मिड पार्ट भी है ये देखो दिस इज प्लाज्मिड पार्ट ठीक है ना जी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं डोनर डीएनए इन द रेसिपियंट बैक्टीरियल सेल इन द रेसिपियंट बैक्टीरियल सेल डोनर डीएनए कहां से आया डोनर बैक्टीरियल सेल से इज नोन एज एक्सोजीनोट क्या बोलते हैं इसको एक्जोजिनोट डोनर डीएनए जो मैंने रेड से यहां पर मार्क किया जो इस वाली बैक्टीरियल सेल से आया कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इट इज नोन एज एक्सोजीनोट दूसरा पॉइंट देखो रेसिपिएंट डीएनए रेसिपिएंट डीएनए ऑफ द रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल ऑफ द रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल इट इज नोन एज एंडोजिनोट क्या बोलेंगे उसको एंडोजिनोट ठीक है तो डोनर डीएनए जो रेसिपिएंट सेल के अंदर चला गया उसको हमने एक्सोजीनोट बोला और रेसिपिएंट डीएनए इस बैक्टीरियल सेल का रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल का खुद का डीएनए दैट इज एंडोजीनोट ये एक्सोजीनोट और एंडोजिनोट एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो गए और साथ में प्लाजमेट भी है ठीक है ना मैंने लिखा रिकम्बाइंड रिकम्बाइंड मतलब इनका नया वाला रीअरेंजमेंट हो गया रिकम्बाइंड डीएनए कौन कौन सा एक्सोजीनोट प्लस एंडोजिनोट किसके अंदर है ये इन द रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल इन द रेसिपियंट बैक्टीरिया इस पूरे रिकम्बाइंड डीएनए को हम क्या बोलते हैं इट इज नोन एज मीरो इट इज नोन एज मीरो मतलब जो ये एफ माइनस सेल था सेल ये एफ माइनस ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर बेटा अगेन पूरा प्लाज्मिड नहीं आया है आप देख सकते हो डायग्राम जब एफ माइनस सेल एफ प्लस एच एफ आर सेल के साथ सॉरी एच एफ आर सेल के साथ कॉन्जुगेट करेगा तो एच एफ आर सेल का उसके साथ जो प्लाज्मिड अटैच हुआ होगा उसका खुद का डीएनए और प्लाज्मिड वो खुल जाएंगे एक जगह पर जिस जगह पर वो कट होंगे खुल जाएंगे उस जगह पर डीएनए का स्ट्रैंड और प्लाज्मिड का थोड़ा सा पार्ट वही ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे बाकी प्लाज्मिड पूरा F, सेल के अंदर ही रहेगा। तो पूरा आया नहीं इसलिए ये सेल ही रहेगा समझ रहे हो बात सिर्फ ये क्या बनेगा ये बनेगा मीरोजाइगोट मतलब ऐसा वाला रेसिपिय बैक्टीरियल सेल जिसमें डोनर डीएनए भी आया और इसके खुद के डीएनए के साथ जिसको हमने रिसिपिएंट डीएनए बोला उसके साथ जुड़ के कंबाइंड डीएनए बना दिया ठीक है ना बताओ इसमें कोई दिक्कत है दावा दे प्यावी मैं सोंठ हुई मेरे सेनारेस दावा जोड़ा बिकॉइ थैक्ट तेल गए थे हाँ तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके डंक कर दो बहुत बढ़िया चलो मैं आगे ओके okay. तो ये हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हमने आपको दो चीजें बताई कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती that, इन प्लेस ऑफ दैट इनमें होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है बहुत सारे मेथड से एक मेथड था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वो पिछली क्लास में बताए थे दूसरा मेथड ट्रांसडक्शन वो आज बताए तीसरा मेथड कॉन्जुगेशन वो आज बताए चौथा मेथड एच एफ आर कॉन्जुगेशन वो आज बताए इसके साथ बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन खत्म देन कम्स बैक्टीरिया में लास्ट वाला टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस Of bacteria, <laughs> economic importance of bacteria. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया ठीक है ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है ध्यान से सुनना। जब भी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बोलेंगे तब हम दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं हम फोकस करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स के ऊपर भी और यूजफुल इफेक्ट्स के ऊपर भी मतलब हमको यहां पर बात करनी है बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स की और बैक्टीरिया की यूजफुल इफेक्ट्स की ठीक है ना तो फर्स्ट हम देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या हार्मफुल एक्टिविटीज करते हैं सबसे पहले हम बताएंगे बैक्टीरिया कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीज़ेस इन ह्यूमंस बैक्टीरिया से ह्यूमंस में बहुत सारी डिजीजेस होती है कौन कौन सी डिजीजेस किस किस बैक्टीरिया से होती है हम आपको बताएंगे एक मिनट आप ऐसे ही रहिएगा एक मिनट बेटा बैक्टीरियल डिजीजेस की डायग्राम आपको डायग्राम के एक टेबल बताने जा रहा हूं बस मुझे लिखना नहीं पड़ेगा आसान पड़ जाएगा मुझे नहीं तो मैं लिख भी सकता था हां जी आई होप ये टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा है कि नहीं इसमें हमने कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस इन ह्यूमैनस लिखे हैं सबसे पहला लिखा है शिगेलोसिस डिजीज का नाम याद रखना है आपको और किससे होता है वो भी याद रखता है शिगेलोसिस शिगेलोसिस को आप बेसिलरी डिसेंट्री भी बोलते हो इसका कॉजेटिव एजेंट है एक बैक्टीरिया उसका नाम है शिगेला कहां पर इंफेक्शन करता है साइट ऑफ इंफेक्शन इज इंटस्टाइन एक मिनट बेटा मैं दवाई खाऊंगा पहले हाँ जी तो क्या मैंने बोला डिजीज का नाम है बेटा थोड़ा सा जुकाम है डिजीज का नाम है शिगेलोसिस बेसिलरी डिसेंट्री मुझे हफ्ते में एक बार होता ही है किससे होता है शिगेलोसिस शिगेलोसिस इज कॉस्ड बाय शिगेला स्पीशीज मतलब बैक्टीरियम का नाम है शिगेला कहां पर इंफेक्शन करता है ये इंटेस्टाइन में मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है आपको याद रखना है तो ठीक है नहीं रखना है तो कर, चलेगा फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड फीसिस फीकल ऑर्डर रूट वट कुल मिला के बात ये है कि एक बैक्टीरियम का नाम है शिगेला ये शिगेला बैक्टीरिया इंसान में एक डिजीज कॉज कराता है उस डिजीज का नाम है शिगेलोसिस शिगेलोसिस में इंफेक्शन करता है बैक्टीरियम इंटेस्टाइन पे और शिगेलोसिस का सिम्ट भी दिया है मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दिया है आप इस टेबल में देख सकते हो एबडोमल पेन होता है डिहाइड्रेशन ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल वगैरा वगैरह दूसरा देखिए बुबॉनिक प्लेग डिजीज का नाम है बुबॉनिक प्लेग ऑल्सो नोन एज ब्लैक डेथ ये एक बैक्टीरियम की वजह से होता है जिसका नाम है यर्सिनिया पेस्ट्रेस ये कहां पर इंफेक्शन करता है इंसान के लिम्फ नोड्स ने रैट फ्ली रैट फ्ली जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं chopsis, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन छोड़ दीजिए नहीं चाहिए आपको बस आप ये याद रखिए बैक्टीरिया का नाम और डिजीज का नाम और साइट ऑफ इंफेक्शन इतना चलेगा ठीक है ना तीसरा देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इसलिए बोल रहा हूं मत करिए आप सिमटम मत करिए क्योंकि आपको ट्वेल्थ क्लास में एक चैप्टर पढ़ना ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पर आप ये पढ़ लोगे फिलहाल आपको इतना याद रखना है डिजीज का, और का, तीसरा लिख, है, डिजीज का है, नाम है और बैक्टीरियम है इंफेक्शन करता है यह लेरिंग बोले तो वॉइस बॉक्स में स्किन में रिपोर्डक्टिवर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चौथा है कॉलेरा डिजीज कॉलेरा डिजीज होती है बैक्टीरियम से नाम है, choleri, होता है। और इन्फेक्शन करता है इंटेस्टाइन में पांचवा है टेटेनिसक जाता है बैक्टीरियम से नाम है क्लोस्ट्राइडियम टेटे कहा पर इंफेक्शन करता है मसल्स को अकड़ा देता है इंसान के मसल अटक जाते हैं फिर टाइफॉइड

और भी बहुत सारे हैं लेकिन आप ये आठ याद रखोगे तो काफी ज्यादा है है ना बैक्टीरिया का नाम और डिजीज कौन सा डिजीज कराएगा डिजीज़ के बारे में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बेटा जी डिटेल में आप जाओगे तो वो ट्वेल्थ क्लास में जाओगे जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर पढ़ोगे ठीक है इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो तो बैक्टीरिया का सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या है बैक्टीरिया इंसान में काफी सारे डिजीजेस कराते हैं कुछ डिजीजेस और कुछ उनके कॉजिटिव एजेंट्स, कॉज़ेटिव बैक्टीरिया का नाम हमने इस टेबल में आपको दिया है आप एक स्क्रीन सर लिंफ बेटा लिंफ नोड्स नहीं पता आपको लिंफ क्या है लिंफ ब्लड से ही निकलता है कलरलेस एक मिल्की लिक्विड फ्लूड मिल्की कलर का फ्लूड है ये, ये आ, देखो मैं आपको समझाता हूं करता है जैसे करता है बिल्कुल उसी तरह लिम्फ भी रन करता है थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक कैपलरीज ये लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक कैपलरीज जिस जगह पर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं वहां पर एक आ, आउटग्रोथ सी बन जाती है जंक्शन सा बन जाता है उसी जंक्शन को भाई लिंफ नोड बोलते हैं ठीक है ना अच्छा पढ़ोगे आप लिंफ के बारे में लेकिन तब की तब देखेंगे फिलहाल इसका भी स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से जी स्क्रीनशॉट डन 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 सौम्या ने लिया तेज प्रताप श्रुति रश्मि हारित स्क्रीनशॉट ले लो चलते हैं आगे दूसरा हम लिखेंगे हार्मफुल इफेक्ट बैक्टीरिया का बैक्टीरिया cause डिजीज इज इन प्लांट्स well वेल बैक्टीरिया कॉज डिजीज इज इन प्लांट्स जरा इसके लिए भी हम एक टेबल ढूंढेंगे आसान पड़ेगा हमको bus hoga oh, yeah. अच्छा दिखाई दे रहा है ये हाँ जी देखिए भाई बैक्टीरिया प्लांट्स में भी काफी सारे डिजीजेस कराते हैं जिस जिसको मैं मार्क करूंगा वो आप याद रखेंगे सबसे पहले साइट्रस कैंकर डिजीज का नाम साइट्रस कैंकर ये एक बैक्टीरियम से होता है उसका नाम जेंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस दूसरा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑन वीट ये वाला बैक्टीरियल ब्लाइट ऑन वीट यह होता है एक बैक्टीरियम से डिजीज के बारे में आपको कुछ नहीं जानना है यू हैव टू स्टडी अबाउट देम इन योर येल्थ क्लास आपको बस नाम याद रखना है और कॉजल ऑर्गेनिज्म कॉजल ऑर्गेनिज्म का क्या है बैक्टीरियम है उसका नाम है सीडोमोनास सिरिंजी सीडोमोनास सेरेंजी राइट देन बैक्टीरियल मोजेक ऑफ वीट इसको छोड़ते हैं एक मिनट हा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमग्रेनेट डिजीज का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमग्रेनेट। ये होती है एक बैक्टीरियम से उसका नाम जेंथोमोनास है जेंथोमोनास एक्जोनोपोरिस तीन हो गए और आप याद रखेंगे बेटा जी शुगर केन गमिंग डिजीज शुगर केन गमिंग डिजीज इट इज ऑकरिंग ड्यू टू जेंथोमोनास एक्सोनोपोरिस अब आप बोलोगे सर यहां भी एक्जोनोपोडिस ऊपर भी एक्जोनोपोडिस लेकिन आप बेटा वैरायटी देख सकते हो वैरायटी प्यूनिका वैरायटी वैस्क्यूलोरम ठीक है चलेगा ये चार पांच अगर सारे याद रखने हैं तो वेल एंड गुड अगर सारे याद नहीं रखने तो ये चार याद रखो काफी है तो बैक्टीरिया कॉज डिजीज इज़ इन प्लांट्स एज वेल इसके बाद हम देखेंगे बैक्टीरियल इज़ इन एनिमल्स अदर देन ह्यूमंस। एक मिनट चलो रहने देते हैं ह्यूमन डिजीजेस काफी हैं बिकॉज ह्यूमेंस आर ऑल्सो एनिमल्स एंड बैक्टीरियल डिजीजे इन प्लांट्स मैंने आपको चार पांच नौ का लिस्ट दिया है चार पांच आप याद रख सकते हो तो दो मैंने आपको हार्मफुल इफेक्ट बताए पहला हार्मफुल इफेक्ट बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स लाइक ह्यूम दूसरा बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स तीसरा देखो बेटा बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करते हैं bacteria are responsible for responsible for loss of fertility in soil loss of fertility in soil अब आप बोलोगे सर कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करते हैं एक मिनट आपको दिखाते हैं हाँ जी देख इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम क्या करते हैं दे कन्वर्ट नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ स्वाइल इंटू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल के अंदर जो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स होते हैं बेटा सॉइल के अंदर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स होते हैं ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स प्लांट्स यूज करते हैं लेकिन ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं बाय मींस ऑफ अ डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम उस डी बैक्टीरियम का नाम है सीडोमोनास डिनाइट्रीफिकन्स सीडोमोनास डी नाइट्रिफिकन्स सॉइल में अगर सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकिया का परसेंटेज बढ़ गया इनका पॉपुलेशन बढ़ गया तो यह सॉइल के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को एकदम से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कराते हैं और ये जो एटमोसफेरिक नाइट्रोजन है ना बेटा जी ये प्लांट्स के किसी काम का नहीं है इट इज नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट बल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट प्लांट्स यूज करते हैं नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स अमोनियम आयन एटसेट्रा प्लांट्स डायरेक्टली एन टू को यूज नहीं करते हैं. तो एन टू जो एटमोसफेयर का है ना उसको जरूरी है पहले कन्वर्ट करना इंटू यूजेबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट और यूजेबल फॉर्म्स कौन से हैं नाइट्राइट्स हैं नाइट्रेट्स हैं

in nitrogen content of the soil occurs nitrogen content of the soil which leads to loss of fertility ठीक है कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी स्क्रीनशॉट ले लो फिर डन कर दो जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो मेरे को समझ आएगा हाँ हो गया आपका ओके okay. थोड़ा सा आप वेट कीजिए बेटा वेट क्या मतलब एक मिनट का वेट करना है एक मिनट का वेट मैं पेज बदल दूं दूसरे वाले पेज पे जाऊं बेटा ओके नेक्स्ट देखिए आप कि बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है ये हमारा कित फोर्थ वन है ना यस yes. फोर्थ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया इज फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग भी करा सकते हैं सम बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग क्या है भाई देखिए कभी हमारे घर में कोई फूड आइटम होता है हा तो ये फूड आइटम तीन चार दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा फिर हम उसको खाते हैं क्या नहीं क्यों कि हम बोलते हैं यार ये खराब हो चुका है खराब होने का मतलब इस फूड आइटम के ऊपर फंगस आ सकता है बैक्टीरिया इसको खराब कर सकते हैं या हम जब मार्केट से कोई चीज लाते हैं खाने वाली चीज जूस लाएंगे या बिस्किट लाएंगे चॉकलेट लाएंगे या दवाई लाएंगे हम उससे लाने से खरीदने से पहले उसका एक्सपायरी डेट देखते क्या ये एक्सपायर तो नहीं हो चुका हम एक्सपायरी डेट क्यों देखते हैं बेटा एक्सपायरी डेट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जब उसका टाइम खत्म हो जाता है ना तो उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करते हैं वो बैक्टीरिया उन फूड आइटम्स में ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स कुछ पॉइजनस मटेरियल्स डालते हैं हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस कराते हैं अगर हम ऐसा वाला फूड आइटम खाएंगे तो हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे we will ill हम बीमार पड़ जाएंगे। फूड पॉइजनिंग मतलब खाने वाली चीजों को खराब करना खाने वाली चीजों के अंदर हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस कराना ठीक है ना अब देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया देखे गए हैं जो फूड पॉइजनिंग करा सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे क्लॉस्ट्राइडियम बॉट्यूलिनियम एक बैक्टीरियम का नाम है क्लास्ट्राइडियम बॉट्यूलिनियम क्लॉस्ट्राइडियम बॉट्यूलिनियम राइट क्लॉस्ट्राइडियम बॉट्यूलिनियम क्या काम करता है ये क्या चीज है ये एक बैक्टीरियम है हार्मफुल बैक्टीरियम आप यू मान लो इट इज द मोस्ट इट काजेज इट काजेज मोस्ट लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इट कॉजेज मोस्ट लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग सबसे खतरनाक फूड पॉइजनिंग यही कराता है ठीक दिस बैक्टीरिया ग्रोज इन कैंड फूड कैंड फूड जो फूड आइटम्स हम कैंस में लाते हैं प्लास्टिक के कैंस में बंद करके पैक जो फूड आइटम्स पैक होते हैं कैंस में उन फूड आइटम्स को ज्यादातर अटैक करता है उनमें ग्रो होता है ठीक दीज बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिंस टॉक्सिंस मतलब पॉइजनस केमिकल्स टॉक्सिंस इन कैंड फूड आइटम्स राइट अगर हम ऐसा वाला फूड आइटम खाएंगे जिसको क्लॉस्ट्राइडियम बॉट्यूलिनियम ने इफेक्ट किया हो तो जाहिर सी बात है ऐसे फूड आइटम में टॉक्सिक केमिकल्स होंगे टॉक्जिन होंगे तो यह चीज खाने से हमको बीमारी होगी बेटा दैट बीमारी इज नोन एज बॉट्यूलिज्म तो आप बोल सकते हैं द मोस्ट लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इज नोन एज बॉट्यूलिज्म वी पीपल कब जब हम कैंड फूड आइटम्स खाएंगे जो एक्सपायर हो चुके होंगे कैंड फूड आइटम्स खाएंगे जिनमें क्लॉस्ट्रेडियम बॉटिलीनियम ने इंफेक्शन किया हो क्या होगा इसमें जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर गए वो टॉक्सिन्स हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डैमेज करेंगे राइट तो बॉटिलिज्म एक ऐसा वाला फूड पॉइज़निंग है जो होता है अगर हम खराब वाले कैंड फूड आइटम्स खाएंगे उन कैन फूड आइटम्स के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज किए होंगे इसी क्लास्ट्रेडियम बॉट्यूलिनियम ने एंड वट दीज टॉक्सिन्स डू दीज टॉक्सिन्स डैमेज दे डैमेज आवर पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज आवर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब इंसान का पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो उसको पैरालिसिस हो सकती है और डेथ भी हो सकती है इट कैन कॉज पैरालिसिस अगर जल्दी से ठीक नहीं किया तो इट कैन कॉज डेथ आल्सो। खतरनाक फूड पॉइजनिंग का केस है ये जिसका नाम है बॉट्योलिज्म एंड बॉट्योलिज्म इज ऑकरिंग ड्यू टू इन्फेक्टेड फूड आइटम्स विच आर इन्फेक्टेड बाई क्लास्ट्राइडियम बॉटोलिनियम राइट एक और मैं आपको फूड पॉइजनिंग वाला केस बताता हूं फूड पॉइंजनिंग विच ऑकर्स बाय सिटाफाइलोकोकसिटाफाइलोकोकस याद होगा बेटा आप लोगों को मैंने आपको बैक्टीरिया का शेप पढ़ाया था उसमें मैंने स्टाफाइलोकोकस भी बताया था टफाइलोकोकस मतलब जब सुफेरिकल बैक्टीरिया बंचिस में रहते हैं स्टोफाइलोकोकस भी फूड पॉइजनिंग कराते हैं दीज बैक्टीरिया सरवाइव ऑन मिल्क एंड एग प्रोडक्ट्स दे सरवाइव ऑन मिल्क एंड एग प्रोडक्ट्स मिल्क एंड एग प्रोडक्ट्स मतलब कहने का यह है कि अगर हम खराब मिल्क खाएंगे खराब एग प्रोडक्ट्स खाएंगे हां बंचेस मतलब क्लस्टर तो हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है बिकॉज़ उन खराब मिल्क और एग प्रोडक्ट्स में स्टैफिलोकोकस ग्रो हो सकता है दे सर्वाइव ऑन मिल्क एंड एग प्रोडक्ट्स दे सेक्रेट टॉक्सिन्स विच डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टैफिलोकोकस टॉक्सिन सेक्रेट करते हैं दे सेक्रेट टॉक्सिन्स which कैन डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है ना और भी बहुत सारे हैं बैक्टीरिया जिनसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है मैंने आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग बताया एक है बॉट्यूलिज्म जो होता है क्लास्ट्राडियम बॉटिलीनियम से और दूसरा है स्टाफाइलोकोकस से होने वाला फूड पॉइजनिंग ठीक है स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया तेज प्रताप यादव ओके एक और हार्मफुल इफेक्ट है बैक्टीरिया का बैक्टीरिया वाटर पोल्यूशन भी कराते हैं बैक्टीरिया कैन कॉज वाटर पोल्यूशन

Vibrio cholerae, Salmonella typhi, Shigella dysentria. शिगेला डिसेंट्री ध्यान रहे अगर पानी में ये तीन लोग हो कौन कौन सा विब्रियो कॉलरी टाइफी एंड शिगेला डिसेंट्रिया तो वो पानी पीना बहुत हानिकारक है क्यों क्योंकि बेटा जी विब्रियो कॉलरी से कॉलरा हो सकता है सैलमोनेला टाइफी से टाइफाइड हो सकता है एंड शिगेला डिसेंट्रिया से डिसेंट्री हो सकती है डिसेंट्री मतलब डायरिया वगैरह हो सकता है अब सोचो जरा में भी इंसान को डायरिया होता है टाइफाइड में भी इंसान को डायरिया होता है डिसेंट्री में भी इंसान को डायरिया होता है इसका मतलब इंसान जब डायरिया हो गया डायरिया से जो फीकल मैटर बाहर आएगा उस फीकल मैटर के साथ ये तीनों चीजें होंगी कॉलरी भी होंगे सेलमोनरा टाइफी भी होंगे और शिगेला डिसेंट्रिया भी होंगे इसका मतलब यह हुआ ना कि अगर वाटर के अंदर ये तीन चीजें हैं ये तीन बैक्टीरिया हैं तो इसका मतलब उस वाटर का पॉल्यूशन हुआ है ह्यूमन फीकल मैटर से इज इट ओके एक मिनट बेटा एक मिनट समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं अगर पानी के अंदर विब्रियो कॉलरी सैलमोनला टाइफी और शिगेला डिसेंट्रिया का परसेंटेज बहुत ज्यादा है काफी ज्यादा है तो समझ लो कि ये पानी का पॉल्यूशन हुआ है किससे ह्यूमैनिफिकल मैटर से दीज थ्री देयर प्रेजेंस इन वाटर देयर प्रेजेंस इन water. Their presence in water Indicates that water has been polluted by water has been polluted by human fecal matter. Fecal matter, Samastehuna. स्टूल पॉटी ठीक है सीधी सी बात है ह्यूमन फीकल मैटर से पोल्यूट होने वाला पानी गंदा नहीं तो और क्या है तो कुल मिला के बात में यही बोलूंगा बेटा बैक्टीरिया काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स कराते हैं ये वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं ये ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करा सकते हैं बाकी एनिमल्स में भी डिजीजेस करा सकते हैं और प्लांट्स में भी डिजीजेस करा सकते हैं और मैंने क्या बोला ये बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को कम करा सकते हैं बैक्टीरिया कौन से लाइक सीडोमोनास डी और मैंने उससे पहले क्या बोला उससे पहले भी मैंने कुछ बोला भाई हाँ ये फूड पॉइजनिंग भी करा सकते हैं ये थे बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट्स इसके बाद बेटा जी हमको पढ़ना है बैक्टीरिया के यूजफुल इफेक्ट कौन कौन सा यूजफुल इफेक्ट है बैक्टीरिया का यूजफुल इफेक्ट में आपको बताऊंगा बैक्टीरिया सॉइल की ऐसे भी बैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कराते हैं उसमें आते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना तो बैक्टीरिया सॉइल में दो तरह के होते हैं ऐसे जो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कराएंगे और ऐसे जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कराएंगे डिक्रीज कराने वाले बैक्टीरिया मैंने आपको तो बता दिए उनको हम डीनाइट्रीफाइन बैक्टीरिया बोलते हैं एक एग्जांपल मैंने बता दिया सीरोमोनाइ डीनाइट्रीफिक्स लेकिन यूजफुल इफेक्ट्स में आपको बताऊंगा कि, कि बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कराते हैं कौन से बैक्टीरिया बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिफाइंग बैक्टीरिया एक्सेट्रा फिर मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरिया यूजफुल हैं डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किए जाते हैं कर्ड मतलब दही बटर मिल्क योगर्ट चीज इन सब में बैक्टीरिया यूज होते हैं बैक्टीरिया से बेटा जी हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं ठीक बैक्टीरिया हमारे इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं लैक्टोबैसिलस डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है बैक्टीरिया इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं कैसे किस लिए अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहलिक ड्रिंक्स हानेगर बनाने के लिए काफी सारे और भी यूजफुल एक्टिविटीज हैं बैक्टीरिया के लेकिन वो हम आपको बताएंगे अगली क्लास में ठीक है ना आज की क्लास में इतना काफी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा जी या ले लिया हां अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो ओके नहीं लिया तो ले लो जल्दी बाकी की बातें हम अपनी अगली क्लास में करेंगे ठीक है ओके बेटा तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बाय बेटा ओके बाय